An Academy. Let's crack it. आते बढ़ते कभी डीमोटिवेट नहीं हो जाते थे कि अब तो कुछ नहीं होना है, छोड़ो इस चीज को? सर डीमोटिवेशन तो सर आता है, हर तीसरे चौथे दिन लगता है कि पता नहीं क्या होगा। मुझे भी कई बार आया था। पहली बार तो जब 2020 के नहीं, सबसे पहले तो ये था कि जब मैं इस तैयारी में आई थी तब मुझे यही समझ नहीं आ रहा था मैं तैयारी करूं कहाँ से, अच्छा क्योंकि ऐसा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था जो तैयारी बाहर कर रहा हो। फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था कि जो बता दे, गाइड कर दे। तो मैं सिर्फ यूट्यूब से ही सर्च करती रहती थी, अच्छा ऐसे टॉपर्स की वीडियो है रैंडम सर्च कर दिया। जी। तो उस समय UPSC के टॉपर्स ने उनकी वीडियो देखती थी, जो वो सोर्सेज बताते थे उनको भी अपना फिर देखा, पढ़ने की कोशिश की। तो मैंने खुद अच्छा से पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर से ऐसा आ रहा था कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। बिना गाइडेंस के आप गलत चीज़ें पढ़ सकते हो। और एक ये भी है कि हमें क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। हम अपना समय भी वेस्ट करेंगे अगर हमने कुछ गलत पढ़ लिया। तो फिर ऐसे ही करके सर आपसे कनेक्ट हुई। फिर आपसे कनेक्ट होने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी एकदम से मजबूत तरीके से स्टार्ट की। फिर उसके बाद ही मैंने सब ये जैसे किया था, 20 का मेन प्रीलिम्स दिया था। तो प्रीलिम्स मेरा हर बार हो गया था, क्योंकि जैसे क्लासेस के दौरान और बुक से नोट्स बनाए थे अपने हैंड रिटन, तो उसके माध्यम से प्रीलिम्स तो नहीं रखा, लेकिन मेंस के लिए वही दिक्कत होती थी, पर वो फिर मैंने लिख लिख के उनको ठीक किया। तो कभी कभी तैयारी के टाइम पे ऐसा भी लगता होगा कि अब नहीं होगा, अब छोड़ के चले जाओ, तो जब डीमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे आप? सर डीमोटिवेशन तो इस एग्जाम में हर तीसरे चौथे दिन लगता है कि ये तैयारी ही छोड़ दें, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है और हमें हर चीज़ से सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ता है। मैं बाहर जाना अवॉइड करना पड़ता है। मैं तो फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, पूरा अच्छा दिन सिर्फ अपना थोड़ा अपना काम करना है और अपना पढ़ना है। तो इसमें डीमोटिवेट रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी। जैसे तो मुझे भी लगता था जब मैंने तैयारी स्टार्ट करना सोचा था तभी, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने का उतना ऑप्शन था नहीं। तो सबसे पहले तो यही था कि मैं तैयारी करूंगी कैसे। तब मैंने इंटरनेट के माध्यम से टॉपर्स की जो वीडियो थी उनके जरिए और जो भी सोर्सेज बताते थे उससे पहले खुद से पढ़ना स्टार्ट किया। तो ठीक फिर अंदर से फिर वही फीलिंग सी आई कि नहीं हो पाएगा ऐसे, बिना गाइडेंस के नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट हुई, फिर आपसे कनेक्ट होकर फिर लगा कि हाँ ठीक है, हम सही एक रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन फिर लगता था कि जब जैसे 2020 के मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उस समय भी लगा था कि मेहनत की थी और रिजल्ट वैसा नहीं आया। मैं सोच तो रही थी कि पास दो हूँ नंबर से रुका था। सर, वो मेरा 2021 का 2 नंबर अच्छा से रुका था सर। उस समय मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन आया था। अच्छा जिस दिन रिजल्ट आया था सर, मुझे जहाँ तक डेट याद है 18 या 19 अक्टूबर को अच्छा 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था। तो उसके नेक्स्ट डे मैं घर से बाहर चली गई थी, क्योंकि अच्छा मुझे घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सा फील हो रहा था। ऐसा मतलब बहुत अजीब लग रहा था, अंदर से अच्छा नेगेटिव फीलिंग्स ही आ रही थी अंदर से अच्छा बहुत ज़्यादा। मतलब कहाँ गए थे? अच्छा, मैं आगरा चली गई थी बाहर, अच्छा मैं घूमने चली गई थी, तो मार्केट वार्केट हो मार्केट गया। वार्केट अच्छा भी गई, तो वही था। लेकिन भाई का सपोर्ट बहुत था, हर मुझे फ़ोन करके कहा कि जब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रही हो तो एक दिन तो पहुँचना ही है, तो डिमोटिवेट मत होइए। और मम्मी का काफ़ी सपोर्ट था। अच्छा मम्मी तो ये कह, जब भी जैसे पढ़ रही हूँ तो मम्मी पास आके कभी कभी खड़ी हो जाती नहीं, तो यही कहती थी कि बेटा बहुत मेहनत करती है, तेरा रिजल्ट तो आना ही है, हिम्मत मत हार। तो बस इन्हीं सब का सहयोग देके दोस्त थे वो भी कहते थे कि अरे अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखो, तुम्हें तो होना ही है एक दिन, अगर ये फेलियर्स आ रहे हैं तो इससे कुछ अच्छा ही होना होगा। इसलिए तो उन सब चीज़ों से काफ़ी मोटिवेट मिलता था इस असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी जी। थी। और कभी कभी ऐसा लगता था कि अब जब कहीं से भी यूट्यूब के माध्यम से भी कभी कभी जब थोड़ा डिमोटिवेशन आया तो यूट्यूब के कुछ भी सुन लिया, अच्छा स्पीकर जो भी होते हैं उनका सुना, मोटिवेशनल स्पीकर। जी तो उनसे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता था। तो तब लग जब जा बहुत ज़्यादा जब उनसे काम भी चलता रहा था, फैमिली के सपोर्ट से होता, अच्छा जब कभी अंदर से लगता था कि नहीं अब कुछ ही समझ नहीं आ रहा है, तब मैं जब मंदिर चली जाती थी वहाँ जाके मैं बस यही कहती थी कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने रोज़ के टारगेट को पूरा कर पाऊँ। और बस अच्छा और हर तरीके से मैं अपनी बस इस एग्जाम में जितनी भी मेहनत लगती हो उतनी मेहनत करने की शक्ति दीजिए मुझे। बस वहाँ से आके फिर अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती थी, फिर मैं इसको करती, फिर अपने डेली के टारगेट पूरा करने में जुट जाती थी। तो व्यूअर्स आप देख रहे हो कि मेरे ख्याल से पहला आप जो है रैंक वन देख रहे होगे, जो मंदिर में जाके भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं रोज के अपने टास्क पूरे कर लूं। तो मेहनत तो बहुत ज्यादा करी है उन्होंने,
और जो है मेहनत तो इतनी ज़्यादा करी है कि मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल सेट हो गया। जैसे आप जो है यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियो देखती थी, अब आने वाले 20 सालों तक आपके वीडियो देखा करेंगे लोग कि दिव्या ने ऐसा क्या किया।